हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित कुमार। क्या आपको पता है किसी के नाम के लास्ट में अगर दून लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? जैसे कि देहरादून, पाटली दून, तो समझते हैं। देखो, दून का मतलब क्या होता है? जो निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में जो लंबवत उनकी घाटियाँ होती हैं उनको हम दून कहते हैं। तो ये निम्न हिमालय क्या होता है और ये शिवालिक श्रेणी क्या होता है? निम्न हिमालय जिसकी ऊंचाई है 3700 से 4500 के बीच में होती है और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 50 किलोमीटर की एवरेज में होती है। और शिवालिक श्रेणी क्या होते हैं? इनकी जो ऊंचाई है वो 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में होती है और जो इनकी चौड़ाई है वो निम्न हिमालय की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। इनकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। तो इनके जो बीच में जो लंबवत हमारी घाटियाँ होती हैं उनको हम दून कहते हैं। तो इसको भी ऐसे किसी भी शहर का नाम पता है जो दून से आता है, अगर पता हो तो आप कमेंट जरूर करिए। और मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।